अफवाहें जो है नफरत करने वालों के द्वारा बनाई जाती है और मूर्खों के द्वारा फैलाई जाती है और बेवकूफों के द्वारा स्वीकार की जाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल H2RB में। साथियों, आज का जो प्रोग्राम है वो विशेष खास होने वाला है आप सभी के लिए, यानी धनु राशि वालों के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हुआ है, देवगुरु बृहस्पति ने जो राशि परिवर्तन किया है वो आपके जीवन पर विशेष प्रभाव डालेगा। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है और ये होगा साथियों यदि आपकी कुंडली में ग्रह दशा और महादशा अंतरदशा सही चल रही है और साथ में जो है आपके ग्रह शुभ है, नीच के नहीं है। आपका बृहस्पति शुभ है, अशुभ नहीं है। आपका शनि शुभ है, अशुभ नहीं है। तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और बहुत कुछ होगा। डिटेल वाइज आपको बताऊंगा और लास्ट में बताऊंगा विशेष उपाय। जी हाँ दोस्तों, यानी शनिदेव जो है यानी 17 जून को जो है रेट्रोग्रेट हो रहे हैं, यानी वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो आपके जीवन में क्या प्रभाव करेंगे, क्या होगा आपके जीवन में, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा और आप इसमें जो है आनंद आएगा आपको सुनने में। और साथ में आपको लास्ट में विशेष उपाय भी बताऊंगा जिससे आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो। कि ये जो कार्यक्रम है साथियों, ये चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपने नाम राशि पर भी जान सकते हैं। यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस मुझे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भेज सकते हैं और साथ में जो है अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। दूसरी बात साथियों, यदि आप जो है बीमार हैं, विद्यार्थी हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गरीब हैं, तो आप मुझे हर मंगलवार को 11 बजे से 12 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। आपसे कोई परामर्श शुल्क नहीं लिया जाएगा, आपके लिए फ्री सेवा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आइए अब हम चलते हैं। यानी आपका मैंने चार्ट बना रखा है कुंडली का, आपकी धनु राशि बनती है, धनु लग्न बनता है आपका और धनु राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। और देव गुरु बृहस्पति जो है अभी अभी राशि परिवर्तन किए हैं, यानी मेष राशि से वो कहाँ चले गए हैं, छठे भाव में, और यहां पर ये जो है 1 साल तक रहेंगे। अब देव गुरु की जो दृष्टि है साथियों वो आपके जो है कहाँ कहाँ है, मैं ये अष्टम भाव में है देव गुरु की दृष्टि, और साथ में जो है आपके करियर पक्ष में है और व्यय स्थान में है 12वें भाव में और सेकंड हाउस में है। और शनिदेव की आपको बात करूं तो शनिदेव जो है आपके तृतीय भाव में विराजमान है, यानी थर्ड हाउस में, और शनिदेव की जो दृष्टि है वो कहाँ कहाँ है, यानी आपके पंचम भाव में है, साथ में सप्तम भाव में है और इसके साथ में भाग्य स्थान में है, आय स्थान में है और लग्न स्थान में है। तो सबसे पहले यदि हम जो है शनिदेव की बात करें तो शनिदेव की पहली दृष्टि कहाँ पर है, यानी पंचम भाव में, और पंचम भाव होता है आपका विद्या का, बुद्धि का, संतान का, प्यार और प्रेम का, ये पंचम स्थान होता है। अब यदि आप जो है सबसे पहले बता दूं कि विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो पंचम भाव में है, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो आपका जो है जीवन बहुत अच्छा रहेगा। विदेश गमन यदि आप करना चाहते हैं तो विदेश गमन के लिए भी बहुत सुंदर है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई से रिलेटिव आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं, विदेश गमन कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से जो साथियों यही स्थान जो है आपके प्यार प्रेम का भी होता है, तो यदि आप जो है प्यार प्रेम में है तो वहां पर भी आपकी अच्छी स्थिति होने वाली है। हालांकि वो मंगल का घर है लेकिन शनि की दृष्टि है वहां पे, तो शनि स्थान वृद्धि करते हैं, तो आपका जो प्यार प्रेम है थोड़ा बहुत मनमुटाव तो रहेगा लेकिन आपका जो प्यार प्रेम है बहुत अच्छा रहेगा। जिनका प्यार प्रेम नहीं है वो भी हो जाएगा, थोड़ा सा आपको जो है गुस्से से बचना है क्योंकि मंगल का घर है, साथ में शनि की दृष्टि है, तो क्रोध की अधिकता से बचें, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा का भाव से बचें, तो स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। वहीं साथियों संतान पक्ष के लिए जो व्यक्ति जो है संतान के लिए लालायित हैं या संतान नहीं हो पा रही थी, उनके संतान के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर होने वाला है। अब मैं बात करूं तो शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके कहाँ पर है, यानी
सप्तम भाव में, सप्तम भाव में जो है आपके वैवाहिक जीवन में, तो वैवाहिक जीवन में वहां बुध का घर है और साथ में शनि की दृष्टि है, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी शुभ रहने वाला है। थोड़ा बहुत आपसी मनमुटाव हो सकता है, थोड़ा बहुत आपसी दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्षणि रुष्टा क्षणि तुष्टा वाला भाव रहेगा, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा रहेगा। हाँ, यदि आपका जो है इस तरीके से है, यदि आपकी कुंडली में ग्रह कष्टी है तो आपके जीवन में कष्ट भी आ सकता है, परेशानी भी आ सकती है, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आ सकती है और दिक्कत भी आ सकती है, और यदि इस तरीके से है तो शुभ रहेगा। वहीं शनिदेव की जो दृष्टि है वो भाग्य स्थान में है, भाग्य वृद्धि करेंगे शनिदेव, आपके जो है भाग्य को आगे बढ़ाएंगे, आपके स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, आपका आपको भाग्य को जो है आगे ले जाएंगे। भाग्य में यदि आपका जो है कोई काम नहीं बन रहा था तो वो काम बनेगा, स्वास्थ्य आपका खराब था तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपको जो है प्रमोशन नहीं हो रहा था तो प्रमोशन होगा, यानी आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो है अनसेटिस्फेक्शन रहेगा आपको, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है वो वहां पर भी है और सेकंड हाउस में भी है, शनिदेव की जो दृष्टि है वो लग्न भाव में भी है, तो ऐसी स्थिति होने से जो है थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन, मतलब ये काम करूं या ना करूं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, तो ऐसी स्थिति जो है, चाहे आप कहीं मतलब जो है प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो वहां पर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति आपकी रहेगी, लेकिन प्रमोशन की स्थिति अच्छी बनती है, यानी आपका मई जून और जुलाई ये तीन माह जो है आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके प्रमोशन के लिए, आपकी नौकरी के लिए, क्योंकि आपका जो शनिदेव की स्थिति तो है ही है, लेकिन यहाँ पर गुरु की स्थिति भी जो है आपके करियर भाव में है, तो करियर में गुरु की दृष्टि होने से, हालांकि वहां पर केतु है तो क्षणि तुष्टा का भाव रहेगा, लेकिन साथ में जो है देव गुरु की दृष्टि आपको जो है प्रमोशन करवाएगी और आपका जो है नौकरी की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपको जो है आगे बढ़ने के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे पहले से और विफल हो रहे थे, अब नहीं होंगे, आप जो है विदेश गमन प्राइवेट सेक्टर में एमएलसी कंपनी से संबंधित आप जो है काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्षेत्र भी आपके लिए सही रह सकता है, तो यानी देव गुरु की दृष्टि यहाँ पर भी शुभ है, तो यदि आप जो है खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वहां पर आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बात यदि देव गुरु बृहस्पति की हम दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव में भी है और अष्टम भाव में देव गुरु की दृष्टि जो है वो थोड़ा सा आपको खर्चे का, यानी देव गुरु की दृष्टि अष्टम में भी है और बारहवें में भी है, वो तो खर्चे का आपका दिक्कत हो सकती है, खर्चा आपका ज्यादा हो सकता है, आप कम खर्चा करना चाहोगे तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक विशेष बात है साथियों कि शनिदेव जो है जब 17 जून को जो है रेट्रोग्रेड होकर के एक भाव पीछे चले जाएंगे तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, धन की युति आपकी बढ़ेगी, धन का आगमन होगा, आप येन केन प्रकार से धन कमाओगे, तो धन से कभी खाली नहीं रहने वाले आप, क्यों नहीं रहने वाले, क्योंकि जो है शनिदेव यदि पीछे भी जाएंगे तो शनिदेव का ही घर है और शनिदेव जो है पराक्रम में है तो यहाँ पर भी स्थिति शनिदेव अपने घर पे है, तो शनिदेव जो है कर्म फलदाता हैं और ये जो है आपके अच्छे कर्मों का फल आपको त्वरित देते हैं, उसमें विलंब नहीं करते हैं और बुरे कर्मों का फल भी त्वरित देते हैं, क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा का भाव रखते हैं शनिदेव, मना दोगे तो सब कुछ दे देंगे और यदि मनाओगे नहीं, पूजा पाठ नहीं करोगे, शनिदेव को पीठ दिखाओगे तो शनिदेव वक्र दृष्टि से आपको दिक्कत भी करेंगे, तो ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए यदि आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं, छोटों को सम्मान देते हैं, तो शनिदेव ऐसे व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाते हैं और कर्मों का फल उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, तो शनिदेव आपका जो है धन भाव में है तो धन भाव की जो स्थिति है वहां पर आपको शनिदेव फल देंगे, यानी बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, अचानक धन की युति बढ़ाएंगे, यदि आप जो है कोई काम करते हैं, आप फॉरेन से संबंधित कोई काम करते हैं, आप जो है ऑनलाइन से संबंधित कोई काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कोई काम करते हैं, आप जो है लोहे का काम करते हैं, आप जो है प्रॉपर्टी भूमि भवन जगह जमीन संपत्ति का काम करते हैं, आप जो है शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, आप आगे बढ़ने के क्षेत्र में कोई जो है सामूहिक कार्य करते हैं, आप जो है बिजनेस जो है पार्टनरशिप में कर रहे हैं या प्रॉपर्टी का पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो वो स्थिति आपकी अच्छी होगी और शनिदेव आपको आगे बढ़ाएंगे, यदि आपका घर मकान अब तक नहीं था तो घर मकान भी बनेगा, तो ऐसी स्थिति शनिदेव करते हैं, गुरु की स्थिति जो है बहुत अच्छी है और यहाँ पर जो है आपका भाग्य जो है बढ़ाएंगे, कैरियर क्षेत्र में आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बारहवें भाव में तो खर्चा अधिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क ये रहना है कि आपको जो है अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, स्वास्थ्य का देखभाल अच्छे तरीके से करना है, सुबह के टाइम गर्म पानी जरूर पीना है
और पूजा पाठ जरूर करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो साथियों आपका भाग्य बदलेगा और मई जून और जुलाई ये माह आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, भाग्य वृद्धि के लिए। क्या करना है साथियों आपको उपाय, उपाय में आपको जो है आपकी धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आपको पुखराज रत्न जरूर धारण करना चाहिए और इसके साथ साथ में आपको जो है अपने अंडरगार्मेंट्स येलो कलर के जरूर रखने चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, हनुमान चालीसा आपको जरूर पढ़नी चाहिए और इसके साथ साथ में किसी संत को, महात्मा को आपको भोजन जरूर कराना चाहिए और उनकी संगत जरूर करनी चाहिए, तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, आपका भाग्य प्रबल है, भाग्य में विशेष बदलाव आपका आएगा। जी हाँ साथियों, तो कैसी लगी आपको वीडियो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट में जय शनिदेव और विष्णवे नमः जरूर लिखिए। तो बने रहेगा हमारे साथ, राधे राधे।